हेलो डियर ऑल वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल प्रेजेंट स्मार्ट इंडियन एडोफन क्लासेस एडोफन ऑनलाइन क्लासेस इंक्लूड कोर्स स्टडीज ऑफ प्ले ग्रुप टू क्लास ट्वेल्व इमोशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स हैप्पीनेस क्लासेस एंड एक्टिविटीज गुड मॉनिंग किड्स हाउ आर यू ऑल आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन किड्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश किड्स टुडे इन इंग्लिश यू ऑल विल डू वर्कशीट ऑफ यूज़ ऑफ़ ए एंड एन किड्स टूडे आई विल टीच यू वर्कशीट ऑफ यूज़ ऑफ ए एंड एन सो किड्स लेट स्टार्ट आज मैं आपको वर्कशीट पढ़ाऊँगी यूज ऑफ ए एन की तो शुरू करते लेट्स वॉवल्स फर्स्ट वॉट यू है वॉवल्स वॉवल्स कौन से होते हैं ए आई ओ यू पहले आप इस कैटर पिलर में क्या लिखेंगे वॉवल्स फिर नेक्स्ट यूज़ ऑफ ए एन ए का यूज़ हम किसके साथ करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ एंड ए एन का यूज़ हम किसके साथ करते हैं वॉवल्स के साथ और वॉवल्स कौन से होते हैं ए ई e, आई ओ यू सो बच्चे शुरू करते हैं सो किट्स लेट स्टार्ट किड्स वट वी सी इन दीस वर्ड्स हम इस वर्ड्स में इन वर्ड्स में क्या देखते हैं हम हमेशा पहला लेटर देखते हैं कि पहला लेटर वॉवल है या कॉन्सोनेंट है अगर पहला लेटर वॉवल होता है तो हम क्या लगाते हैं ए एन और अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं ए सो किट्स लेट स्टार्ट ए एन टी एंट पहला लेटर हमारा क्या है इसमें ए एन टी एंट में पहला लेटर हमारा फर्स्ट लेटर क्या है वॉवल तो हम वॉवल के साथ क्या यूज़ करेंगे ए एन एन नेक्स्ट आर ई टी रेड सेकेंड डैश आर ई टी रेड तो सेकेंड लेटर हमारा क्या है सेकेंड वर्ड जो है हमारा वो आर ई टी रेड है उस रेड में पहला लेटर हमारा क्या है आर आर वोवल होता है नो no, वोवल क्या होते हैं ए आई ओ यू ना ये ए है ना ये ई है ना ये आई है ना ये ओ है ना ये यू है तो क्या है आर तो आर हमारा वोवल नहीं है तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे ए क्या यूज़ करेंगे ए नेक्स्ट बी ओ ओ के बुक बी भी वॉवल नहीं है क्योंकि वॉवल क्या होते ए ई e, आई ओ यू इनमें से कुछ भी नहीं है तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे ए हम ए किसके साथ यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ और ए एन हम किसके साथ यूज़ करते हैं वोवल के साथ ओ क्या है हमारा ओ डब्ल्यू एल आउट क्या है डैश ओ डब्ल्यू एल आउट तो पहला लेटर क्या है ओ ओ क्या है वोवल तो वोवल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं ए एन एन नेक्स्ट फिफ्थ डैश आई आर ओ एन आयरन डैश आयरन तो पहला लेटर इसमें क्या है आई और आई हमारा क्या होता है वॉवल तो एन एन क्या आएगा हमारा ए एन एन हमें इन सब वर्ड्स में पहला लेटर चेक करना है अगर पहला लेटर वॉवल होता है ये फर्स्ट लेटर इज़ वॉवल वी यूज़ ए एन हम ए एन यूज़ करेंगे और अगर पहला लेटर वॉवल नहीं होगा तो हम ए यूज़ करेंगे सो किट्स नेक्स्ट सिक्स नंबर डैश ए बी पी एल एप्पल डैश एप्पल पहला लेटर क्या है हमारा वॉवल है ए है ए क्या होता है वोवल तो अब इसके साथ यूज़ करेंगे ए एन एन नेक्स्ट यू एन सी एल अंकल तो पहला लेटर क्या है हमारा यू और यू क्या होता है वोवल और हम वोवल के साथ क्या यूज़ करते एन एन लाइक दिस वी विल डू रिमेनिंग वर्कशीट हमें क्या चेक करना है पहला लेटर वोवल है या कॉन्सोनेंट है अगर पहला लेटर वॉवल है तो वी यूज़ ए एन और अगर कॉन्सोनेंट है तो वी यूज़ ए वी विल यूज़ ए, अगर, यूज ए, अगर, यूज ए अगर पहला कार... पहला कॉन्सोनेंट है तो वी विल यूज़ ए और अगर पहला वॉवल है सो तो वी विल यूज़ ए एन सो नेक्स्ट एट नंबर डैश बी यू एस बस डैश बी यू एस बस तो बी हमारा वॉवल है कॉन्सोनेंट वोवल क्या होते हैं ए ई -E आई ओ यू इसमें से कुछ भी नहीं है तो ये कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के आगे हम क्या यूज़ करते हैं ए नेक्स्ट नाइन डैश ऑक्टोपस ओ सी टी यू पी यू एस ऑक्टोपस ओ हमारा क्या है पहला लेटर है हमारा ओ और ओ क्या होता है हमारा वॉवल तो हम वॉवल के साथ क्या यूज़ करते हैं ए एन एन डैश बी यू एस बस डैश बी यू एस बस तो बी हमारा फर्स्ट लेटर है और फर्स्ट लेटर क्या है ये कॉन्सोनेंट तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे ए क्या यूज़ करेंगे ए नेक्स्ट डैश ईगल ई हमारा क्या है वोवल फर्स्ट लेटर क्या है हमारा ई ए जी एल ई हमारा क्या है वॉवल हम वॉवल के साथ क्या यूज़ करेंगे ए एन एन नेक्स्ट क्या है जैबरा जेड ई बी आर ए जेबरा तो जेड क्या है इसमें कॉन्सोनेंट तो हम कॉन्सोनेंट के साथ क्या यूज़ करेंगे ए हम कॉन्सोडेंट्स के साथ क्या यूज़ करेंगे ए और वॉवल्स के साथ ए एन नेक्स्ट क्या है डैश ई जी जी एग ई जी जी एग हम पहला लेटर हमारा इसमें क्या है ई और ई क्या होता है वॉवल तो हम वॉवल के साथ क्या यूज़ करते हैं ए एन एन नेक्स्ट यू एम बी आर ई एल एल ए अम्बरला तो पहला लेटर इसमें क्या है अम्ब्राला में यू और यू क्या होता है हमारा वोवल तो हम के साथ क्या यूज करेंगे ए एन एन सो किड्स आई होप सो दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वर्कशीट एंड किड्स टुडे यू ऑल विल डू दिस वर्कशीट इन योर इंग्लिश कॉपी थैंक यू यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की प्राप्त करने लिए के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग